Now next one is another replace operation. Just the previous case when replace kya karaya tha, either first occurrence or last occurrence. But suppose how to we want to replacing all occurrences of a given character. Means agar aapke paas koi bhi string available hai, string ke andar kisi bhi existing character ke agar sare ke sare repetition or all occurrences new character se replace karana, then is case mein is type ke operations provide karunga. For example, we are having some string as level. Same as previous example, L-E-V-E and L. Last character क्या रहेगा इस केस में? Null. इस केस में means just मुझे replace क्या कराना? Replacing, we want to replacing character or all occurrences of a E by new character as A. means इसे string के अंदर अगर मुझे E के सारे occurrences A से replace कराना, then simply कुछ भी नहीं कराना आपको. Reference means iterative variable i के through string के सारे character delete कराओगे. अगर इसे character का value existing character इसको मैं consider कर रहा हूँ जा old, this one is a new. इस केस में just old character का occurrence replace किसी कराना new से, तो every time इस केस में operation से if condition में perform क्या कराओगे? If means loop के अंदर just loop manage करेंगे. loop कहाँ से कहाँ तक चलाओगे? From i equals to 0 to null. इस कब तक इटरेट कराना है? जब तक आपको null character नहीं मिल जाता. then इस केस में if condition के अंदर every time s of i को match किससे कराना, अगर s of i का value just e से match होता है या old character से match होता है, then इस केस में first case में means suppose that अगर old character का value e है, then इस केस में e सबसे पहले s of 0 से match होगा, क्योंकि i के value क्या है? Just 0. 0 से match होगा, then 0 से match हो रहा है क्या? नहीं. then i में increment होगा, then i की value क्या हो जाएगी? 1. then i next element को represent करेगा. again loop के according फिर से matching किससे होगा? S of i और old character क्या just e. इस केस में S of i means S of 1 में भी क्या e और match भी क्या हो रहा e, means condition is true. condition 2 होता है इस केस में just perform क्या कराएंगे? S of i equals to new character. new character क्या just a. तो a किस place पर साइन होगा? 1 index. now e is replaced by a. next में again i में increment होगा, तो i की value क्या है? 2i next element को represent करेगा. again s of i means s of 2 में क्या फाउंड हो रहा है? s of 2 e से मैच होगा. s of 2 में क्या v e से मैच नहीं होगा, देन लीव इट. नेक्स्ट टाइम i प्लस प्लस हो तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3. अगेन फिर से इफ कंडीशन के साथ ट्रू, इफ कंडीशन के हम s of 3 में क्या e और मैच भी किससे करा रहे हैं? e से. कंडीशन 2 देन अगेन इफ कंडीशन 2 होने के से इसका बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग s of 3 के प्लेस पर रिप्लेस कर रहा न्यू, न्यू कैरेक्टर क्या लाइक ए. नेक्स्ट टाइम i प्लस प्लस होगा तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4. 4 के केस में लूप का कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन इफ का कंडीशन फॉल्स है. इफ कंडीशन फॉल्स है देन कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं. देन नेक्स्ट टाइम i प्लस प्लस होगा तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5. देन i लास्ट एलिमेंट है यार नल को रिप्रेजेंट करेगा. नल मींस कंडीशन बिकम्स फॉल्स, मींस लूप टर्मिनेट हो जाए. इस केस में जस्ट परफॉर्म क्या कराओगे? सिंपल ऑपरेशन है वॉइड रिप्लेस ऑल. मींस ये क्या है? रिप्लेस ऑल, नॉट अ रिमूव ऑल. रिप्लेस किसे किसके अंदर कराना है? फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग एस, देन कैरेक्टर. रिप्लेस क्या कराना है? रिप्लेस्ड कैरेक्टर 2 एंड रिप्लेस्ड वाई कैरेक्टर कैर वाई. इसे इस केस में वेरिएबल नेम इसके समथिंग 2 और वाई. देन सिंपली आपको लूप इटरेट करने के लिए इटरेटिव वेरिएबल यूज करना होगा समथिंग आई. फॉर लूप आई इक्वल्स टू 0 कब तक चलाना? जब तक s of i का वैल्यू नल नहीं हो जाता. मींस व्हाइल s of i नॉट इक्वल्स टू नल, देन फाइनली i प्लस प्लस. इस दोनों का मीनिंग कंडीशन में आप ओनली सिंपली s of i भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही s of i का वैल्यू नल होगा, नल मींस 0, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा. रिमेनिंग केस में अगर कोई भी कैरेक्टर फाउंड हो देन इसका आस्क वैल्यू ऑलवेज क्या होगा? नॉन जीरो. नॉन जीरो मींस ट्रू. नेक्स्ट वन फॉर लूप के अंदर अगेन इनर कंडीशन क्या अप्लाई करना है? इफ कंडीशन. If s of i is equals to 2, 2 means जिस character को replace कराना चाहते हो, clear? मैंने variable names just change कर दिए इस case में. then अगर एक condition true है, if condition true है, then इस case में just perform क्या कराना है? s of i equals to y, y means new character. then close this for loop and close this function. one more things, आपको याद हो मैंने just इसी type का replace related प्रीवियस फंक्शन मैंने इंप्लीमेंट किया था, रिप्लेस फर्स्ट ऑकरेंस. फर्स्ट ऑकरेंस रिप्लेस कराना है, देन सेम ही से ऑपरेशन आगे ने कैसे एग्जैक्टली सेम है, रिप्लेस फर्स्ट. ओनली डिफरेंस क्या है, मैंने प्रीवियस केस में मैंने आपको बोला था
अगर इस प्लेस पर इफ कंडीशन के अंदर असाइनमेंट के साथ साथ ब्रेक स्टेटमेंट प्रोवाइड किया देन ओनली फर्स्ट ऑकरेंस रिप्लेस होगा। अगर इस केस में कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं किया विदाउट ब्रेक के केस में सारे के सारे ऑकरेंस रिप्लेस हो जाए। देन इसके अलावा आप प्रोवाइड किया करोगे मेन फंक्शन सेम एज प्रीवियस केस, मेन के रिस्पेक्ट में कोई भी न्यू ऑपरेशन नहीं है, जस्ट आपको इस केस में इनपुट्स कितने रिक्वायर्ड है, स्ट्रिंग रिप्लेस्ड कैरेक्टर रिप्लेस्ड बाई कैरेक्टर, मीन्स टोटल थ्री इनपुट्स रिक्वायर्ड होंगे। क्लियर, मीन समथिंग कैरेक्टर एरे एज मैंने मैक्सिमम साइज यूज किया 100, देन कैरेक्टर 2 एंड कैरेक्टर y। नेक्स्ट वन जस्ट कीबोर्ड से डेटा रीड करने के लिए यूज क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को रीड करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ गेट्स। और अगर आप तीनों इनपुट एक साथ रीड डाउन करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो सिंपली स्कैन एफ। स्कैन एफ के केस में जस्ट इनपुट्स को स्पेस से सेपरेट कराएंगे, परसेंट s परसेंट c, इस प्लेस पर कोई स्पेस नहीं आएगा, परसेंट सी एड्रेस ऑफ एस और ओनली एस बोथ आर सेम, एड्रेस ऑफ टू एंड एड्रेस ऑफ वाई। क्लियर, देन जस्ट फंक्शन कौन सा कॉल करें इसके इसमें रिप्लेस ऑल, रिप्लेस ऑल फर्स्ट आर्गुमेंट क्या पास करोगे स्ट्रिंग एस, सेकेंड आर्गुमेंट कैरेक्टर टू एंड कैरेक्टर वाई, एन ओरिजिनल स्ट्रिंग डिस्प्ले कराएंगे आफ्टर दिस ऑपरेशन बाय यूजिंग पुट्स फंक्शन, पुट्स एस क्लोज दिस मेन फंक्शंस।